सरकारी संचार केंद्र ने मस्कट में लॉकडाउन और शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई स्थगित करने के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों का खंडन किया है। जारी एक बयान में जीसी ने कहा, मस्कट के बंद होने और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के निलंबन से संबंधित जो कुछ भी प्रसारित किया जा रहा है वह सच नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी MOH ने नागरिकों और निवासियों से आग्रह किया है कि वे वर्तमान समय में यात्रा न करें जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। ओमान न्यूज एजेंसी द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिकों और निवासियों से कहता है कि वे कोरोना वायरस के नए और उपरिवर्तित उपभेदों के कारण जब तक आवश्यक न हो यात्रा न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमान में 868 नए कोरोना वायरस मामले और 3 मौतें दर्ज की हैं। देश में कुल मामले अब 1,39,362 हैं, जिनमें से 1,30,653 अब स्वस्थ हैं और 1,552 की मृत्यु हो चुकी है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।